पिछले 6 माह से न्याय के लिए दर दर भटक रहे एक बुजुर्ग गरीब को आज आखिरकार न्याय मिल ही गए। सीओ मछली शहर के आदेश पर आज पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। दरअसल मार्च माह में नगर पंचायत का कर्मचारी इस बुजुर्ग की गुमटी फूंक दिया था। उसमें रखा उसका 3.5 लाख रुपया और गृहस्थी का सामान राख हो गया था। नगर के बड़े नेता के दबाव में पुलिस आरोपी को जाते हुए केवल अबूझ हालात में आग लगाने का मुकदमा दर्ज किया था। हालांकि पीड़ित पढ़ा लिखा न होने कारण FIR में आरोपी को सभासद लिखा था। 24 UP न्यूज की स्पेशल रिपोर्ट से दीपक। हाँ दादा, आपका नाम क्या है? हमारा नाम है नूर मोहम्मद जी। और क्या करते हैं? रिक्शा चलाए थे सरकार। हाँ, रिक्शा चलाते हैं। तो क्या हुआ, आपके गुमती जला दिए कुछ लोग? हाँ, सब ने जला दिया सरकार। हाँ, क्या मामला क्या था? बस वहाँ आग लगा देते थे, हमने बुझाने कहा तो कहा कि जाए चेयरमैन से कहो। एक बार दो बार कहा, उसने नहीं माना। कहा हम दिन दहाड़े तुम्हारी गुमटी फूंक देंगे, जो हमारे कर्तव्य ने कर लेना। अच्छा, तो वो फूंक दिया? हाँ सरकार। तो उसमें क्या नुकसान हुआ आपका? 10:30 बजे दिन में। अच्छा, दिन में ही फूंक दिया। हाँ। अच्छा, पुलिस कार्रवाई नहीं की उस पर? गए सरकार, कौनों सुनवाई ना हुआ। 4-5 महीने से बीत गया। हाँ, तब SP साहब किया गए दिए सरकार, तब वहाँ से कुछ ना हुआ। तब आज CO साहब के जब गोर पकड़ कर रोए, कुछ लिखन पढ़ें, तब हमारा काम शुरू हुआ सरकार। अच्छा, नोट कितना जल गया आपका? 3.5 लाख सरकार। अच्छा, तो उसके लिए क्या CO साहब ने कहा? कहाँ, सब घबरा मत, तुम्हारा हम फोटो वोटो खिंचवा देंगे। अच्छा, और इसका जांच कराएंगे। हाँ, और तुम्हारा हो सकेगा बदलवा देंगे। ठीक। ये मामला 5 महीने से यानी लिखा नहीं गया था थाने पे, जब CO साहब ने कहा तब। हाँ, अब जाके लिखा गया। हाँ, यहाँ से जब साहब लिख दीजिए कागज, तब वहाँ हमको नकल मिला और नकल ले आए। अब कुछ हुआ घुमकी जलाने का, उसमें आरोपी सभासद भी है, क्या है पूरा? इसमें ये लगभग 4-5 महीने पुरानी बात है, और इसमें वहाँ पर कूड़ा फेंका जाता था नगर पालिका द्वारा, और उसके बगल में एक घुमटी थी, उसमें आग लग गई थी। तो पहले ये बताया गया कि ये इतफाकिया हो सकता है, लेकिन जो उसका पीड़ित व्यक्ति था उसने 10 तारीख को आकर एक तहरीर दी वहाँ के क्षेत्राधिकारी को कि साहब ये घटना हमारे साथ ऐसे ऐसे घटी है, और उसमें हमारा कुछ पैसा भी रखा हुआ था जो कि जल गया। जब उस पैसे को देखा गया और उसकी तहरीर के आधार पर थाने पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है, विवेचना की जा रही है, साक्ष के आधार पर अभियुक्त गिरफ्तारी भी की जाएगी और विधिक कार्रवाई की जाएगी। आरोप है कि चेयरमैन के आदमी के ऊपर आरोप लगा, क्या ऐसे कुछ मामला जी? उसमें एक सभासद के खिलाफ उसने रिपोर्ट दी है, और उस सभासद की, उस सभासद ने जो है वहाँ पर कूड़ा फेंकवाते थे, और क्योंकि वो सरकारी जमीन थी और उसके बगल में गुमटी थी, उसमें उनका नाम जो है दिया है कि साहब उन्होंने मेरी गुमटी गलवा दी है। इसी संदर्भ में अभियोग पंजीकृत है और विवेचना की जाएगी, अगर साक्ष ऐसे प्राप्त होते हैं अवश्य उनकी गिरफ्तारी होगी। पीड़ित का आरोप थाने के ठीक सामने गुमटी है, और सभासद की दबंगई, सभासद ने खड़ा होकर इस पर आग लगवाया है। उसके बाद पुलिस 4-6 महीने हो गए मुखदर से बनी, अभी तक ये दबंगई तो नहीं हो सकती, क्योंकि जैसे ही मामला संज्ञान में आया वहाँ के क्षेत्राधिकारी भी वहीं बैठते हैं, और अगर इस तरह की कोई बात होती तत्काल उनके संज्ञान में भी आती। उसने जो है 10 तारीख को ये बात बताई, और उस बात के आधार पर, उसकी तहरीर के आधार पर ही अभियोग पंजीकृत भी है, और जो अगर साक्ष पाए जाते हैं तो सभासद की गिरफ्तारी भी की जाएगी। यहाँ पर शासन का और जो नियम कानून है उसका रूल चलेगा। सीधा बंगई